विद्या भारती मुजफ्फरनगर एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं पंकज त्यागी, मैथ टीचर लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर जानसठ रोड मुजफ्फरनगर। आज हम क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स की क्लास में जो ट्रायंगल हमारा टॉपिक है उसकी एक्सरसाइज 7.4 चैप्टर 7 में 7.4 हम डिस्कस करेंगे। उसकी जो थ्योरम थी दो वो उससे पहले डिस्कस हो चुकी है, मैं एक बार उसे फिर आपको रिमाइंड करा देता हूँ। पहली थ्योरम थी कि एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये जो त्रिभुज है ये असमान त्रिभुज है, यानी कि इनकी जो भुजाएं हैं वो असमान है। त्रिभुज क्या है? ए बी सी। इस त्रिभुज में क्या है कि ये जो दो त्रिभुज है, इस त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, कोई भी दो भुजाओं का योग सदा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ए बी प्लस ए सी बड़ा है बी सी से। इसके बाद कोई भी दो भुजा ले सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं ए बी प्लस बी सी बड़ा है ए सी से, या ए सी प्लस बी सी बड़ा होगा ए बी से। ठीक, कोई भी दो भुजाओं का योग, इसमें से हम कोई भी दो भुजा ले लें, उन दो भुजाओं का जो योग है वो सदा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये पिछली वीडियो में प्रूफ हो चुका है, लेकिन मैं एक एक्टिविटी से आपको बता देता हूँ। मान लिया एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की जो साइड है वो मान लिया ये 6 है और ये 4 है। ठीक, इसे हम x मान लेते हैं। अब मैं इस x को यदि बढ़ा दूं, थोड़ा इससे लंबा कर दूं, क्या होगा? इसे बढ़ाया तो क्या होगा? ये जो है ये थोड़ा नीचे झुक जाएगा, यानी कि यहाँ 4 होगा और यहाँ ऐसे होके ये 6 आ जाएगा। ठीक, ये x की वैल्यू है। फिर इसके बाद इसे और बढ़ा दो, क्या होगा? ये और नीचे आ जाएगा, यानी कि यहाँ ऐसे हो जाएगा। जैसे जैसे x बढ़ेगा ऐसे ये नीचे होता चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक, एक स्थिति क्या आएगी कि ये जो लाइन है इसे अगर हम और बढ़ा दें थोड़ा, क्या होगा कि ये 4 यहाँ आ जाएगा और ये 6 भी यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 6 और 4, ये 10 आ जाएगी इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर। लेकिन होगा क्या कि ये इस लाइन को ओवरलैप कर ली है बिल्कुल, इसका मतलब हुआ कि ये तीनों बिंदु संरेख हो गए, एक सीधी लाइन होगी। सीधी लाइन का मतलब है कि त्रिभुज नहीं बना, यानी कि जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हुआ तो त्रिभुज बनना बंद हो गया। इसका मतलब है कि त्रिभुज कब तक बना? जब तक इन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, यानी कि जो 6 + 4 है इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए एक्स से, यानी कि एक्स का जो मान है वो छोटा होना चाहिए, या तीसरी जो रेखा है वो छोटी होनी चाहिए। इसी तरीके से यदि मान लिया यही त्रिभुज है, ये 6 है, ये 4 है, ये एक्स है, यदि मैं इसे छोटा कर दूं एक्स को छोटा करने का मतलब हुआ ये 4 हो जाएगा, त्रिभुज ऐसे बनेगा, ये 6 हो जाएगा। इसे और छोटा कर दो, क्या होगा? ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये एक्स है। एक स्थिति इसमें भी ऐसी आएगी कि ये जो 4 है ये यहाँ आ जाएगा, ये एक्स, ये 4 और ये 6 इसे पूरा ओवरलैप कर देगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा, 6 - 4। जब ये इन दोनों भुजाओं के अंतर के बराबर आया तब त्रिभुज बनना बंद हो गया, यानी कि एक सीधी रेखा प्राप्त हो गई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, त्रिभुज कब तक बना? जब तक बना, यानी कि 6 - 4, यानी कि जो x का मान है वो 6 - 4 से बड़ा होना चाहिए। त्रिभुज बनने की कंडीशन क्या हुई? यहाँ से क्या हुआ कि दो भुजाओं का योग सदा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, दो भुजाओं का जो अंतर है वो तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, इस स्थिति में त्रिभुज प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद इसकी हम एक्सरसाइज लेते हैं, एक्सरसाइज 7.4। एक्सरसाइज 7.4 जो है हमारी, उसका पहला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं।
पहला क्वेश्चन है इसका कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है यानी कि समकोण त्रिभुज है उसका कर्ण सबसे बड़ी साइड होती है। पहला क्वेश्चन क्या है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज का मतलब जिसका एक कोण 90 अंश का होता है वो क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो मान लिया ये त्रिभुज ए बी सी है, इसका कोण बी समकोण है, तो इसीलिए त्रिभुज कैसा हुआ, समकोण त्रिभुज। ए बी सी क्या हुआ, एक समकोण त्रिभुज। तो दिया है यानी कि गिवन दिया क्या है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। प्रूव क्या करना है, ट्रू प्रूव सिद्ध करना है जिसे बोलते हैं, वो क्या है कि इसका जो कर्ण है वो सबसे बड़ी भुजा है, यानी कि जो एसी है भुजा एसी वो सबसे बड़ी है। किससे बड़ी है, ए बी से भी बड़ी है, ए सी बड़ी है बी सी से, ये सबसे बड़ी भुजा है। ठीक, अब इसे सिद्ध करते हैं। ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, दिया हुआ है समकोण त्रिभुज है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण बी बराबर 90 अंश ये दिया है। ठीक, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ये आप सबको पता है कितना होता है, 180 अंश। यदि इसमें कोण बी की वैल्यू रख दे क्या होगा, कोण ए प्लस 90 प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180। यहाँ से कोण ए प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, कोण ए प्लस कोण सी इज इक्वल टू क्या हुआ 90। यानी कि अब क्या स्थिति हुई, यदि हम इसे फर्स्ट इक्वेशन भी मान लें, इसे सेकंड मान लें, तो क्या हुआ कि कोण बी इक्वल हो गया कोण ए प्लस कोण सी के। इसका मतलब हुआ कि यदि मैं ये दोनों कोण बराबर है, यदि इसमें से ये कोण हटा दें यानी कि कोण ए यहाँ से हटा दें तो क्या हो जाएगा, ये जो साइन बराबर का है ये क्या हो जाएगा, कोण बी बड़ा हो जाएगा कोण सी से, क्योंकि ये काहे के बराबर था, कोण बी बराबर था कोण ए प्लस कोण सी के। उसमें से हमने कुछ हटा दिया, चाहे वो कम हटाया या ज़्यादा हटाया, कुछ ना कुछ हटा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोण बी बड़ा हो गया कोण सी से। कोण बी बड़ा होने हो गया सी से, इसका मतलब क्या हुआ कि कोण बी के जो सामने की भुजा है वो बड़ी होगी कोण सी के सामने की भुजा से। कोण बी के सामने की भुजा क्या है, ए सी, इसीलिए ए सी भुजा बड़ी होगी कोण सी के सामने की भुजा। कोण सी के सामने की भुजा क्या है, ए बी, यानी कि ए सी भुजा बड़ी होगी ए बी से। ठीक है, इसी तरीके से यानी कि ये जो ए सी भुजा थी ये हुई ए बी से बड़ी। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार यहीं से हम ले सकते हैं कोण बी बराबर कोण ए प्लस कोण सी से। इस बार कोण ए हटाया था, इस बार इसमें से कोण सी हटा दीजिए, क्या होगा, कोण बी बड़ा हो जाएगा कोण सी से। बी के सामने की भुजा फिर वही ए सी, बड़ा हो गया सी के सामने की भुजा सी, इस बार यहाँ ए हटाया था, इस बार हमने हटाया सी तो यहाँ ए आया। कोण ए के सामने की भुजा क्या है, बी सी, तो ए सी बड़ा हो गया बी सी से, यानी कि ए सी जो है वो दोनों भुजाओं से बड़ा हुआ, तो इसीलिए ए सी भुजा त्रिभुज ए भुजा समकोण त्रिभुज ए बी सी में सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है जो कि कर्ण है, इसीलिए समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की ओर। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर दो में फिगर उसने दी हुई है,
क्वेश्चन नंबर टू, फिगर बुक में दी हुई है, क्वेश्चन में दी हुई है, ये दी हुई है ए बी सी, यहाँ दिया हुआ है पी और ये दिया हुआ है क्यू। और क्या दिया हुआ है? दिया है यानी कि गिवन में लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ए बी सी में दिया हुआ है उसने कोण पी बी सी छोटा है कोण क्यू सी बी से, यानी कि ये कोण है पी बी सी का मतलब ये कोण छोटा है कोण क्यू सी बी से, इस कोण से ये दिया है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि ए सी भुजा बड़ी है ए बी से, ए सी भुजा बड़ी है ए बी से। इन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सिद्ध करना होता है, मान लिया भुजा सिद्ध करनी है तो हम कोण सिद्ध करेंगे, यदि कोण सिद्ध करना है यहाँ तो भुजा लेके चलेंगे, भुजा सिद्ध कर देंगे, उसके बाद हम अपने आप कोण सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद प्रूफ, मान लिया ये कोण वन है, ये कोण टू है, ये थ्री और ये कोण फोर। दिया हुआ क्या है कि कोण पी बी सी, पी बी सी छोटा है काहे से कोण क्यू सी बी से, यानी कि कोण दो छोटा है कोण फोर से। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये दी हुई है। इसके बाद इसमें क्या करेंगे, यहाँ आ जाइए, यहाँ क्या होगा कोण वन प्लस कोण टू इजिकल टू क्या होगा 180 अंश रेखिक युग्म, यानी कि किसी सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश का होता है। इसी तरीके से इधर आओ कोण 3 प्लस कोण 4, कोण 3 प्लस कोण 4 इजिकल टू 180, ये भी क्या है रेखिक युग्म के कोण है। इसे इक्वेशन थर्ड और इसे इक्वेशन नंबर फोर। इक्वेशन से थर्ड समीकरण तीन व समीकरण नंबर चार से क्या होगा, ये भी 180 अंश के बराबर है, ये भी 180 अंश के बराबर है, इसीलिए कोण वन प्लस कोण टू इजिकल टू कोण थ्री प्लस कोण फोर। ठीक, अब दिया हुआ क्या है हमारे पास, जो दिया था वो दिया था कि कोण टू छोटा है कोण फोर से, ये उसने दिया है, यहाँ यहाँ लिख देंगे दिया है। अब यहाँ थोड़ा समझने की बात है, कोण दो छोटा है कोण चार से। अब मैं आपको कहूँ दो संख्याएं मैं लिखता हूँ, मान लिया मैंने यहाँ लिखा 12 और 18, कौन सी छोटी है, 12 छोटी है 18 बड़ी है। मैं इन्हें कहूँ इन्हें बराबर कर दीजिए, आप बराबर का मतलब है इन्हें 20 बना दीजिए, मान लिया 20 यहाँ भी 20 बनाना है, ये बराबर का चिन्ह आ जाएगा क्योंकि 20 बराबर होती है 20 के। अब क्या करेंगे, हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, हम यहाँ 8 प्लस कर देंगे, ठीक है, यहाँ क्या ऐड करना पड़ेगा 2, तभी तो ये 20 बनेगी, 12 और 8 20 हो गए, 18 और 2 20 हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जो बड़ी भुजा थी, बड़ी भुजा क्या थी हमारी, बड़ा छोटी जो थी, छोटी थी 12 संख्या, 18 जो है बड़ी थी, हमने जो छोटी भुजा थी उसमें क्या जोड़ा, बड़ा, जब बराबर हुआ, ये क्या थी बड़ी संख्या, उसमें हमने छोटी संख्या जोड़ी तब बराबर हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ ये जो साइन है ये चेंज हो गया, यानी कि 8 बड़ा है 2 से, यानी कि छोटी संख्या में बड़ा ऐड करना पड़ा तब इक्वल हुआ और बड़ी संख्या में छोटा ऐड हुआ तब ये बराबर हुआ। यही काम हमें यहाँ करना है, चूँकि कोण 2 छोटा है कोण 4 से, ठीक, इसीलिए क्या आ जाएगा, कोण 1 बड़ा हो जाएगा कोण 3 से। अब क्या हुआ, कोण 1 बड़ा हो गया कोण 3 से, त्रिभुज में आ जाइए, त्रिभुज ए बी सी में कोण 1 ये रहा, इसके सामने की भुजा, इसके सामने की भुजा क्या होगी ए सी, बड़ी हो जाएगी कोण 3 के सामने की भुजा से, यानी कि ए सी भुजा बड़ी हो जाएगी ए बी से, यही वो प्रूफ कराना चाह रहा था। तो ये हुआ सिद्ध, एक ए सी बड़ी है ए बी से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी के आसपास है, ऐसा ही क्वेश्चन है, फिगर उसमें दी हुई है बुक में, क्वेश्चन में दी हुई है,
क्वेश्चन नंबर थ्री, फिगर है ए बी, यहाँ दिया हुआ है सी डी, यहाँ ओ दिया हुआ है, एंगल बी छोटा है एंगल ए से, एंगल सी छोटा है एंगल डी से। प्रूव क्या करना है, यानी कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए डी भुजा छोटी है बी सी से, ए डी जो भुजा है वो छोटी है ए बी सी से। ठीक, मैंने बताया था अगर भुजा सिद्ध करनी है, यहाँ ए डी भुजा छोटी है बी सी से, तो आप कोण इनके सामने के कोण सिद्ध कर दीजिए। तो सिद्ध करना है भुजा ए डी छोटी है बी सी से, ए डी का मतलब ये छोटी है बी सी से, तो हमें क्या, हम क्या प्रूव करेंगे, इनके जो सामने के कोण है यदि वे इसी तरीके से सिद्ध कर दें तो फिर भुजा अपने आप सिद्ध हो जाएगी। अब इसके लिए ट्रायंगल लेते हैं त्रिभुज ए ओ बी, कौन सा त्रिभुज है ये ए ओ बी, इस त्रिभुज में क्या दिया हुआ है कि कोण बी, कोण बी छोटा है कोण ए से, यानी कि ये जो कोण है बी ये इस कोण से छोटा है। छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, तो बी कोण छोटा है तो इसके सामने की जो भुजा है वो कौन सी है ओ ए, ओ ए छोटी होगी किससे, ओ बी से, जो कोण ए के सामने की भुजा है। ये हुई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से अब दूसरा ट्रायंगल, दूसरा त्रिभुज लेते हैं, दूसरा त्रिभुज क्या है ओ सी डी, ओ सी डी, ओ सी डी में भी क्या दिया हुआ है कि एंगल सी छोटा है एंगल डी से, एंगल सी छोटा है एंगल डी से, सी के सामने की भुजा छोटी होगी डी के सामने की भुजा बड़ी होगी, तो सी कोण के सामने की भुजा क्या हुई ओ डी, छोटी होगी कौन सी भुजा से, कोण डी के सामने की भुजा से, कोण डी के सामने की भुजा क्या है ओ सी। ठीक है, इसके बाद ये हो गया इक्वेशन नंबर टू। अगर हम दोनों इक्वेशन को जोड़ दें, यानी कि समीकरण नंबर एक प्लस समीकरण नंबर दो, क्या होगा, इधर क्या है ओ ए, यहाँ क्या है ओ डी, छोटा होगा ओ बी प्लस ओ सी से। अब देखो ओ ए प्लस ओ डी, ओ ए कौन सी है ये नहीं, ओ ए यहाँ से यहाँ तक की, ओ डी यहाँ से लेके यहाँ तक की, यानी कि ये पूरी रेखा आ गई, पूरी रेखा का नाम क्या है ए डी, तो इसकी जगह क्या रख देंगे ए डी, साइन वही छोटा है ओ बी प्लस ओ सी, ओ बी कौन सी रेखा है ओ बी, ये रही यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद क्या है ओ सी, ये रही यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये पूरी आ गई, पूरी का नाम क्या है इसका बी सी, तो ए डी जो रे भुजा है वो छोटी होगी बी सी से, वही इस क्वेश्चन में सिद्ध कराना चाह रहा था कि ए डी भुजा छोटी है बी सी से, इसीलिए यहाँ ये इति सिद्धम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में भी फिगर दी हुई है, क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फोर भी इसी थ्योरम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर फोर क्या हुआ, ये दिया हुआ है चित्र, ये ए बी और सी डी, ये इसे मिला दो, ये दिया हुआ है। ठीक, इसमें जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं, गिवन ए बी, उसमें ने दिया है कि ए बी सबसे छोटी भुजा है, सबसे छोटी भुजा है, एक तो ये दिया है,
दूसरा दिया हुआ है कि सी डी सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है, ये दो चीज़ दी हुई है, ठीक है। इसके बाद सिद्ध करना है, टू प्रो में आ जाएगा, एंगल ए बड़ा है एंगल सी से, एंगल बी बड़ा है एंगल डी से, ये सिद्ध करना है। क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले रचना करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि हम इस ए सी को आपस में मिला देंगे, ए सी को मिलाया, बिंदु ए व सी को मिलाया, वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब ये जो चतुर्भुज था ये दो त्रिभुजों में डिवाइड हो गया, त्रिभुज ए बी सी और ए सी डी में। इसके बाद प्रूफ, सिद्ध करना जिसे बोलते हैं, अब हम क्या लेके चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, इसमें भी आप कोण नाम दे सकते हैं, इसे कोण एक लिख सकते हैं, इसे कोण दो, ये तीन और ये चार, ठीक। इसमें दो पार्ट हैं, एक पार्ट ये है और एक ये है, तो ये पहला पार्ट है त्रिभुज ए बी सी। क्या दिया हुआ है, ए बी सबसे छोटी भुजा है, ए बी सबसे छोटी भुजा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए बी भुजा है वो छोटी है बी सी से, ए बी भुजा क्योंकि सबसे छोटी थी, वो इसका मतलब हुआ कि ए बी भुजा बी सी से भी छोटी होगी, इसका ए बी भुजा छोटी होगी बी सी से। अब ए बी के सामने का कोण छोटा होगा किससे, बी सी के सामने के कोण से, अर्थात कोण दो, ए बी के सामने का कोण दो हुआ और बी सी के सामने का कोण क्या हुआ, कोण एक, कोण दो छोटा हो गया कोण एक से, ये हुई समीकरण नंबर एक, ठीक है। इसके बाद हम इस त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज ए सी, ए सी डी में क्या है कि सी डी सबसे बड़ी भुजा थी, तो सी डी भुजा वो क्या होगी, बड़ी होगी किससे, ए या ए डी ले लो पहले, ए डी छोटी होगी किससे, सी डी से, क्योंकि सी डी भुजा सबसे बड़ी थी, इसका मतलब क्या हुआ, इस भुजा से भी बड़ी होगी। अब ए डी, ए डी क्या है, ए डी के सामने का कोण, ए डी के सामने का कोण कौन सा हुआ, कोण चार, सी डी, सी डी के सामने का कोण कौन सा है, कोण तीन, ये समीकरण नंबर दो। इन दोनों समीकरणों को यदि जोड़ दें तो क्या होगा, समीकरण वन प्लस समीकरण नंबर टू, कोण टू प्लस कोण फोर छोटा हो गया कोण वन प्लस कोण थ्री से, ठीक है। कोण टू प्लस कोण फोर, इसका मतलब इसका नाम क्या हुआ, पूरा कोण हो गया, पूरा कोण क्या हुआ, कोण सी, कोण सी छोटा हो गया ए वन प्लस थ्री, वन प्लस थ्री का नाम क्या हुआ, कोण ए, ठीक। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण ए बड़ा हो गया कोण सी से, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट सिद्ध हुआ कोण ए कोण सी से। अब मैं इसके सेकंड पार्ट आपको होमवर्क में करना है, उसकी फिगर मैं यहाँ बना देता हूँ, उस फिगर की सहायता से आपको ये होमवर्क में करना है, ठीक। इस बार हमने यहाँ से मिलाया था, नाम वही है ए बी सी डी, इस बार इसे डिवाइड कर दो, यहाँ से बी और डी को मिला दो, ठीक। यही सब काम जो यहाँ किया था वो इसमें करना है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क में है, इसका सेकंड पार्ट ये तुम्हें सिद्ध करना है इस फर्स्ट पार्ट को देख करके, ठीक है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर फाइव, पांचवा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पांच, चित्र दिया हुआ है, फिगर क्वेश्चन में है, वो क्या है, पी क्यू आर और
ये दिया हुआ है S, जो दिया हुआ है उसे इस हेडिंग में लिखते हैं। गिवन में क्या लिखेंगे, पी आर बड़ा है पी क्यू से एंड पी एक्स बाइसेक्ट इतना, यानी कि ये कोण जो पी एस है, पी एस भुजा पी एस कोण पी को दो बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में बांटती है, बाइसेक्ट करती है यानी कि बांटती है। जो प्रूफ करना है वो इस हेडिंग के अंतर्गत आता है। क्या सिद्ध कराना चाह रहा है कि कोण पी एस आर बड़ा है कोण पी एस क्यू से। चलो जो दिया हुआ है उससे शुरू करते हैं और जो सिद्ध करना है उसकी तरफ चलते हैं। क्या दिया हुआ था, एक त्रिभुज ये है एक त्रिभुज ये है। क्या दिया है कि कोण भुजा पी आर बड़ी है पी क्यू से। ये जो भुजा पी की पी आर है ये वाली, ये भुजा बड़ी दी हुई है इस पी क्यू से, पी आर बड़ी है पी क्यू से। बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। तो पी आर इसके सामने का जो कोण है कोण क्यू बड़ा होगा पी क्यू के सामने की भुजा से, यानी कि कोण आर से। ठीक है, कोण क्यू बड़ा हुआ कोण आर से। एक चीज उसने और दी हुई है, वो क्या दिया हुआ है कि पी एस कोण पी को दो बराबर भागों में बांटता है। अगर हम इसमें नंबर भी डाल सकते हैं, ये कोण वन, ये टू, इसे थ्री मान सकते हैं, ये फोर, ये फाइव और ये सिक्स। यानी कि कोण क्यू का मतलब हुआ कोण वन बड़ा हो गया कोण सिक्स से। ये क्या दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है कि कोण टू बराबर है कोण फोर के। ये क्या है, दिया है। ठीक है, यहां इस त्रिभुज में, त्रिभुज पी क्यू एस में, पी क्यू एस में क्या होगा कि जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग, तीनों अंत है कोणों का योग कितने अंश होता है, 180 अंश। यानी कि कोण वन प्लस कोण टू प्लस कोण थ्री इजिकल टू क्या हुआ, 180, इक्वेशन नंबर टू। इसी तरीके से इस ट्रायंगल में आ जाओ, ट्रायंगल है पी आर एस, क्या हुआ कोण फोर प्लस कोण फाइव प्लस कोण सिक्स इजिकल टू क्या होगा, 180। वो तीसरी इक्वेशन हुई, ये भी 180 के इक्वल है और ये भी 180 के इक्वल है, इन्हें बराबर कर दो, क्वेश्चन नंबर वन प्लस क्वेश्चन टू कोण टू प्लस कोण थ्री इजिकल टू कोण फोर प्लस कोण फाइव प्लस कोण सिक्स। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है कि कोण दो बराबर है कोण चार के, तो इस दो की जगह तो क्या लिख दो, चार, वन प्लस कोण फोर प्लस कोण थ्री कोण फोर प्लस कोण फाइव प्लस कोण सिक्स। कोण फोर से तो कोण फोर खत्म हुआ, क्या बचा, कोण वन प्लस कोण थ्री इजिकल टू कोण फाइव प्लस कोण सिक्स। एक चीज ये दी हुई थी यहाँ, कोण वन बड़ा है कोण सिक्स से, को चूंकि यहां लिखेंगे, चूंकि कोण वन बड़ा है कोण सिक्स से, कोण वन बड़ा है कोण सिक्स छोटा है, इन्हें दोनों कोणों को बराबर करना है। जैसा मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था वही सिचुएशन है, बड़ा जो बड़ा कोण है उसमें छोटा कोण जुड़ेगा बराबर करने के लिए, और जो कोण छोटा होता है उसमें बड़ा कोण ऐड करते हैं, इसीलिए कोण थ्री छोटा हो गया कोण फाइव से। अब कोण थ्री और कोण फाइव देखो क्या है, कोण थ्री क्या था, कोण थ्री हमारा, कोण थ्री छोटा हुआ कोण फाइव से। हमें क्या सिद्ध करना था, कोण पी एस आर, पी एस आर का मतलब हो गया कोण पी एस आर बड़ा है पी एस आर, यानी कि कोण फाइव बड़ा है। यानी कि यहाँ क्या लिख सकते हैं, कोण थ्री का नाम लिख दो
कोण पी एस क्यू छोटा है कोण पी एस आर से। इसे उल्टा लिख सकते हैं, कोण पी एस आर बड़ा हो गया कोण पी एस क्यू से। यही वो सिद्ध कराना चाह रहा था। यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम, हैंस प्रूव जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था 5। ठीक है, इस तरीके से एक इसके होमवर्क में मैंने आपको चौथा क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 4, और अब एक क्वेश्चन नंबर 6 बचा हुआ है, वो क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, आप वीडियो को देखें, चैनल जो मुजफ्फरनगर विद्या भारती चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, लाइक करें, और जिससे कि ये पता लगता रहे कि आप वीडियो को कितना देख रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।